रूम से दुकान, दुकान से रूम, और कौन वहाँ लड़का जाए ना पाई से, यहाँ कहूँ तो माल कहाँ लेके चला गया। कहीं कि हमारा घाटा भा, दुकान का घाटा भा है, हमने चोरी किया है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। कोई सुनवाई नहीं हुई है मंत्रालय में भी, वहाँ दिल्ली मंत्रालय में गए, यहाँ जो राजनाथ सिंह से मिले। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि मुझे यहाँ से निकालने के लिए क्या कष्ट करें। मैं विदेश मंत्री से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। वो नहीं भेज रहा है, वीजा खत्म हो गया, तब हम लोगों ने गुहार लगाई और उसका वीडियो आया और उसमें उसने अपनी दुखभरी दास्तां कही। नमस्कार, मैं हूँ विशाल सिंह, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। जैसा कि कोरोना काल के बाद आपको विदित है कि लोग रोजी रोटी कमाने के लिए देश को छोड़ के, परिवार को छोड़ के विदेशों तक जा रहे थे, तो ऐसे में ही हमारे साथ कुछ परिजन हैं और उन्होंने बताया कि ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का एक गणराज्य है सियारा लियोन, जहां पर उनका इकलौता बेटा लॉकडाउन के बाद 2020 में नवंबर महीने में रोजी रोटी कमाने के लिए यहां से सियारा लियोन जाता है, और जब वीजा की जो टाइमिंग होती है लगभग 3 साल की, जब वो खत्म हो जाती है तो उसके वापस आने की जब बात की जाती है तो मामला कुछ और पता लगता है, और पता लगता है कि जो उनका बेटा इकलौता था वो यहाँ से गया था, वो फंस गया है, उसको रुपए की मांग की जा रही है कि अगर इतना रुपए वहां भेजा जाए तब उनके बेटों को भेजा जाएगा। इसी बीच वो लगातार अपनी दुख भरी दास्तां को लेकर लगातार अपने परिजनों के संपर्क में बना हुआ है, वीडियो भेज रहा है। मेरा नाम अर्पित पांडे है, मैं ग्राम दौलतपुर फोर्ट सुजानपुर पचोमी जिला गोंडा का रहने वाला हूँ। मैं फ्री टाउन सीरिया 11 SB इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करने के लिए मैं आया था। मुझे 4 साल होने वाला है, अभी तक मुझे ना सैलरी मिल रही है और ना मुझे इंडिया जाने दे रहा है, जाने दिया जा रहा है। मैं अगर पहुंचता हूं तो मुझे धमकी दी जाती है कि तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम्हें जेल में डाल दूंगा, मारने की धमकी दी जा रही है, और उसके बाद में फ़ोन छीनने की धमकी दी जा रही है। परिजनों ने भी जब इसकी पूरी जानकारी हुई कि उनका बेटा जब वहां फंस गया है तो उन्होंने अधिकारी SP से लेकर यहां के सांसद, स्थानीय सांसद जो उनके हैं, और इसके साथ ही विदेश राज्य मंत्री तक भी अपनी गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उनकी माँ मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है। मजीद नाम बताइएगा पहले अपना। उर्मिला पांडे। बेटे क्या नाम? अर्पित कुमार पांडे। क्या है पूरा मामला, मामला बताइएगा, जैसे कब वो गया था, अभी क्या हुआ? 3 साल का वीजा था जी, हाँ। फिर जब पूर हो गया पैसा नहीं दिया, करे बाद में फिर जौन है जब आने के बोलागा तो कहीं कि हमारा घाटा भा, दुकान का घाटा भा है, तुमने चोरी किया है, ये कहीं हमने कुछ नहीं किया है। कब गया था वो? 2020 में गया था। फिर क्या हुआ? फिर गया तो 6 महीना और सैलरी नहीं दिया। मैंने कहा भैया सैलरी नहीं मिली, कहीं मम्मी 6 महीना के बाद मिले, 3 महीना का मिले, 3 महीना का ना मिले, जब जाओगे तब हिसाब कीन गए। फिर ओकरे बाद में 6 महीना पूरा होएगा तब 3 महीने की सैलरी मिली 70,000 रुपया। ओकरे बाद में 3-3 महीना पे हम 3 सैलरी में कुल मिला के 4 सैलरी मिली है। फिर सैलरी रोक लीन तो हम कहें भैया सैलरी नहीं मिली, कहीं ना मालिक नहीं मम्मी, जब मालिक आएगा तब देगा, तब हम कहीं फोन करें मैसेज करें तो कोनो जवाब नहीं दिए। फिर ओकरे बाद जब आओ तब कहे कि जब टाइम पूरा हुए तब पहला के हिसाब करके घर भेज, जब टाइम पूरा भा तब वो नहीं आवा। फिर जब जौन है हम जनवरी तक भेज दिए, फिर नहीं कोनो बात बत कही, तो हम टाइम पूरा भा जैसे कि 3 साल का वीजा पूरा होएगा तो जौन है फिर कहें कि जौन है तो हमारे दुकान में जौन है चोरी की हो है, माल के केहू दूसरे का दे दियो है, तो ये कहीं नहीं सब कुछ नहीं भा है, उनके वो मालिक के लगे बहुत शक्ति है, रूम से दुकान, दुकान से रूम, और कहूँ वहाँ लड़का जाए ना ही पाई से, यहाँ कहूँ तो माल कहाँ लेके चला गया। तीन सैलरी दिन तो लड़के के खाता में दिन, और जो चौथी आए तो हमारे खाता में आए। डिटेल पूरा जौन है बैंक के पूरा डिटेल ले लिया, 1 साल के पहले पूरा डिटेल ले लिया, फिर कोनो पर सुनवाई नहीं है। जब 6 महीना ऊपर हो गया, 3 साल के बाद 3.5 साल हो गया, तो हम कहा कि सब जकाए लगन मेरे को नहीं मार भैया भतीजा ही नहीं, सब हाँ मेरे आगे पीछे हैं और मेरे को नहीं है, तो सब अपन जो है मार मदद करे लगे, तो कहूँ सुनवाई नहीं है, विदेश में गए हूँ, दिल्ली गए। मतलब जैसे आप बता रही हैं कि आपका बेटा नवंबर 2020 में यानी कि लॉकडाउन के बाद वो सियारा लियोन गया, अभी तक 4 साल हो गए लगभग, आपके अनुसार 44 महीने में उसको 4 महीने की सैलरी मिली है, तो उसका गुजर बसर कैसे हो रहा है? आपका इकलौता लड़का है, खाना वही मिलता है, खाना पीना वही मिलता है,
खाना वहीं मिलते है और वहीं रहे का है, लेकिन बार बार धमकी देते घर से पैसा क्यों नहीं मंगाते, घर से पैसा क्यों नहीं मंगाते, घर अगर मेरे पास पैसा हुआ थे 11 लाख 12 लाख तो हम लड़का अपन क्यों भेजते हैं इतनी दूर। नहीं तो ये पैसा क्यों मांगा जा रहा है? वह चोरी में लगा था मेरे लड़का कहीं, दलाल लगा था, दलाल से बोली तो दलाल कहते हैं हाँ चोरी हुई है, जब पैसा भेजी है ले जाइए दे है तब तो छुट्टी पाई है। चलिए जब इसकी जानकारी हुई आपका बेटा वहाँ फंस गया है, तो आप अभी तक किससे किससे मिली, क्या क्या कार्रवाई हुई? विदेश मंत्रालय से मिला गा वहाँ MST पर, मतलब हाँ काम हो रहा है। नहीं गोंडा सांसद विदेश मंत्री दिल्ली में है ना, दिल्ली के है, कीर्तिवर्धन सिंह से मिली? हाँ 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 मिली हाँ। फिर तो हाँ काम हो रहा, कागज भेजो काम हो रहा, हम अपना नहीं जाए पे हमारे भाई गए, फिर उसके बाद हुआ हमारे भतीजे हैं मेरे जवान है हस्बैंड जी हैं वो गए। बात हाँ। कितनी बार बात हुई है लड़के से, क्या बोला? लड़का से बातें नहीं कर रहे थे, मोबाइल कहीं छीन लिए, मोबाइल छीन ली नहीं, उसके बाद में फिर बार बार धमकी देते हैं खाना में दिक्कत आ जाएगा, घोड़े हाथ पैर में दिक्कत आ जाएगा, बार बार धमकी देते हैं, एजेंट मालिक मिला है। आखिरी बार कब बात हुई थी? बात चोरी में कहूँ वही जाती 24 घंटे में एक चक्कर कहूँ वो थी, नहीं तो चोरी में कहूँ हो ही गए 4-6 दिन छुपे जैसे। कब आखिरी कब बात हुई थी उससे, कितने दिन पहले बात हुई थी? 5-6 दिन तो होते हैं। क्या कह रहा था, क्या लग रहा था? अब दुखी हो के हमारे बच्चा वो बता नहीं कि मम्मी का हाल चाल है, ठीक भैया खाना खाए वहाँ खाए बस, अतने बात है बस और कुछ नहीं। आप अर्पित के क्या है? मामा। मामा है। क्या है पूरा मामला थोड़ा विस्तार से बताइए, उसकी माता जी तो दुखी है। अब विस्तार से ये सर 2020 में वो गया था काम के लिए, उसके बाद 6 महीने के बाद हो गए, फिर 3 महीने की सैलरी जो उसकी आई और उसके बाद फिर जो है पैसा 2-3 महीने बाद फिर आई, टोटल 4 महीने की सैलरी आई, उसके बाद जो है वो काम करता रहा। पहले कहा गया कि जब घर जाओ टाइम पूरा हो जाएगा तुम्हारा, लास्ट में इकट्ठे एक साथ पैसा दिया जाएगा, टाइम उसका नवंबर में पूरा हो गया, पैसा नहीं दिया गया, उल्टा चोरी का इल्जाम लगा रहे तुमने माल बेच दिया, तुमने पैसा दे दिया, क्या कर दिया है। हाँ वो दलाल से मिलके जो है, दलाल को कहते हैं वो कहता है पैसा भेजो, उसका नुकसान हुआ है। तो, दलाल के बारे में अजमेर का है सर, ये क्या अजमेर का है, उसका विजय रुकमानी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर अब कोई सुनवाई नहीं हुई है मंत्रालय में भी, वहाँ दिल्ली मंत्रालय में गए, यहाँ जो कीर्तिवर्धन सिंह से मिले, इन्होंने लेटर भेजा, वहाँ एम्बेसी से मैसेज आया कि यहाँ लड़के का और मालिक का समझौता हो गया है, परंतु लड़के को नहीं बुलाया गया, हर जगह मालिक गया, मालिक लड़के को CID ऑफिस ले गया, ले जाया गया, वो बैठा रहा बाहर, वो मालिक अंदर गया, वहाँ क्या कहा कागज लाया वहाँ साइन कर दी, यहाँ साइन कर दो, अब उसके अधीन है, रोटी कपड़ा जब कुछ है वो सब वही दे रहा है, तो जो है वो जहाँ कह देगा वहाँ वो साइन कर देगा, जहाँ कहेगा जब वहाँ और कोई उसका भाई नहीं, अकेला जो है इकलौता बंदा वहाँ है, तो वो डर से जो जहाँ कहता है वहाँ 6-6 दिन खाना नहीं मिला उसको, भूखा रहा है। आखिरी बार आपसे कब संपर्क में आया था, कुछ आपसे बात हुई थी? हमारे से 15 दिन पहले संपर्क में आया था। यहाँ जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन या किसी से और भी मिले या केवल विदेश मंत्री से? विदेश मंत्री से मिले और दिल्ली में एम्बेसी से मिले, बाकी जो है यहाँ भी अब गोंडा आए हैं जो है SSP ऑफिस जो है यहाँ भी जो है मिले, जिला अधिकारी से मिले। हाँ क्या आश्वासन मिला अभी तक? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, कागज पत्र गया है, बाकी कार्रवाई क्या होती है अभी देखना जाएगा। भैया आप भी अर्पित के गांव के ही रहने वाले हैं? हम अर्पित के मामा के गांव के रहने वाले हैं। मामा के गांव जी जी। अभी तक जैसे पूरे मामले में वो वहां गया था बता रहे हैं, और 2020 से अभी तक वापस नहीं आया, चोरी का इल्जाम भी लगाया जा रहा है, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई, आप लोगों ने कहां कहां क्या पैरवी की? श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी को प्रार्थना पत्र दिया और DM साहब को प्रार्थना पत्र दिया, SP साहब को प्रार्थना पत्र दिया, अब कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, हो रही है, आश्वासन यही दे रहे हैं, DM साहब ने भी आश्वासन दिया, SP साहब ने भी आश्वासन दिया। जैसे कि 36 महीने बाद आप लोग को जानकारी हो गई, जब 3 साल वीजा के खत्म हो गए, तो उसके बाद आप लोग को जानकारी हुई कि इस तरह का मामला है, तो उसके बाद से अभी तक जो कार्रवाई चल रही थी अब उसमें क्या है? जी जब वीजा खत्म हुआ तो पता चला कि अब जब वो नहीं भेज रहा है, वीजा खत्म हो गया, तब हम लोगों ने गुहार लगाई और उसका वीडियो आया और उसमें उसने अपनी दुखभरी दास्तां कही, तो उस वीडियो को सुनने के बाद हम लोगों ने फिर सरकार से, मंत्री से, नेता से, क्षेत्रीय जितने नेता से, उनसे गुहार लगाई। क्या आश्वासन मिला अभी तक आप लोग? आश्वासन तो मिला है,
यहाँ आश्वासन जिला प्रशासन का मिला है। राजा भैया ने भी कहा देखेंगे देखेंगे देखेंगे। पत्र आज आप लोग कहाँ आए थे? आज हम आए थे एसपी साहब से मिलने। जी क्या कहा गया? यहाँ इन्होंने यहाँ एडिशनल साहब को जांच दी है और एडिशनल साहब ने बयान लिया है हम सबका। जी तो ये वो पीड़ित परिवार था जिनका इकलौता बेटा अब ऐसी जगह पर फंसा है जहां से निकल पाना काफी मुश्किल है। सियारा लियोन वो जगह बताई जा रही है, गणराज्य है ये, पश्चिम अफ्रीका का एक गणराज्य है। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि 3 साल जब उसके वीजा की जो अवधि होती है वो जब खत्म हो जाती है, उसके बाद इस परिवार को पता चलता है कि इनके परिवार का इकलौता चिराग जो कि कोरोना में रोजगार विहीन होने के बाद अपने परिवार को अपने देश को छोड़ के जाता है कमाने के लिए, वो वहां फंस जाता है और उल्टे उसको तनख्वाह देने के बजाय 11 लाख रुपए की मांग की जाती है इस एवज में कि उसने चोरी की है, 11 लाख आप देंगे तब हम आपके बेटे को वापस इंडिया भेजेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इन्होंने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जो कि गोंडा के सांसद हैं, इसके अलावा स्थानीय सांसद कैसरगंज करण भूषण सिंह, इसके साथ ही जिलाधिकारी और गोंडा पुलिस अधीक्षक से पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई है। इससे पहले भी गोंडा पोस्ट ने आपको ऐसी ही खबरों से रूबरू कराया था जिसमें वजीरगंज क्षेत्र के एक नहीं लगभग एक दर्जन से ज्यादा युवक रशिया में फंस गए थे। हालांकि उसके बाद जब प्रशासन जागा तो धीरे धीरे वहां से लोगों को निकालने की तैयारी की गई और कुछ लोग वापस भी आए। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी शासन प्रशासन इस मामले में भी संज्ञान लेता है और अर्पित को वहां से लाकर अपने परिवार के पास भेज पाता है।